हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। हमने लास्ट वीडियो में वैल्यूशन ऑफ गुडविल का फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट तक हमने सीख लिया था, तो एक बार थोड़ा सा उस पर हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके बाद हम फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देन अब हम सुपर प्रॉफिट देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड आल्सो यूज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दिस मेथड यूज व्हेन द बिजनेसमैन अज्यूम दैट अ न्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू जनरेट एक्सेस प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, ठीक है। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सुपर प्रॉफिट में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है। कैपिटल एम्प्लॉय दो तरीके से निकलेगा, लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच एंड शेयर होल्डर फंड अप्रोच, या इसे हम शॉर्ट टर्म फंड अप्रोच भी कह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड अप्रोच में इस तरीके प्रोसेस होगा, नेट असेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नेट असेट्स माइनस नेट लाइबिलिटीज। अब नेट असेट्स में क्या आएगा, टोटल असेट्स अदर देन गुडविल जो आपको पहले से बैलेंस शीट में गिवन होगा वो हमें एक्सक्लूड करना है, फिक्टिशियस असेट्स एक्सक्लूड करना है, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें ये एक्सक्लूड करना है। फिक्टिशियस असेट्स मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलैनियर एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एंड जो हम शेयर इशू करते हैं उस पर जो डिस्काउंट होगा वो भी हमारा फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट होता है, तो ये सब हमें लेस करना होगा। एंड देन नेट लाइबिलिटी में आ जाएगा आउटसाइडर लाइबिलिटीज, मतलब इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स बट एक्सक्लूड प्रपोज डिविडेंड, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड प्लस टैक्स पेबल ऑन एडजस्टमेंट, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा नेट असेट्स माइनस नेट लाइबिलिटी। ये हमारा लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। शॉर्ट टर्म फंड अप्रोच या शेयर फंड अप्रोच दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऐड हुआ है, यहाँ पर अवॉइड करेंगे, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ही ऐड होगा नेट लाइबिलिटीज में, ठीक है। देन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ से हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हम जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैलकुलेट करेंगे वो आपका हमेशा इट कैलकुलेशन ऑफ जो बुक की जो आपको फेयर वैल्यू गिवन है ना उसी के बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है कि नेट वर्थ 5% इंक्रीज हो गया है, ठीक है, जो उसकी लेटेस्ट जो वैल्यू गिवन होगी उसी को हमें यहाँ पे लिखना है और तभी हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, फाइन। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तीन मेथड्स हैं, ओसी मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड टू, या फिर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा तो माइनस हो जाएगा हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, जैसे कि आपको 2013, 14, 15 तीन साल की एडजस्टमेंट्स के लिए प्रॉफिट्स दे रखे हैं, आपने पास्ट प्रॉफिट एडजस्टमेंट किया और जो करंट जो बैलेंस शीट जिस ईयर की है उस टाइम का आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकर कैलकुलेट करना होगा। फिर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय जो इन तीनों में से किसी भी के थ्रू निकलेगा एज पर क्वेश्चन के बेस पर डिपेंड होगा कि हमें कौन सा यूज करना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट माइनस फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, देन हमारा गुडविल फाइनली आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, ठीक है। अब सिंपल से एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज वैल्यू हमें निकालनी होगी, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन गुडविल आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट्स। नेट असेट्स सिंपल इस तरीके से निकल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट असेट्स कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप
बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, इससे रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, आपको ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज होगा, उस कैसे इसका प्रेजेंटेशन होगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड कीप इन टच, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। टेक केयर, बाय।